उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भगवान के घर यानी मंदिर में चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, और अगर पुलिस ने आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो लोग प्रदर्शन जरूर करेंगे। दरअसल पूरा मामला थाना कोतवाली के नगला आशिक अली का है, जहां प्राचीन चामुंडा मंदिर में अष्ट धातु की मूर्ति और घंटे चोरी हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने रविवार को सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने नई मूर्ति और घंटे लगवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रविवार को नगला आशिक की मां चामुंडा मंदिर में सुबह जब पूजा करने के लिए लोग पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला और मूर्ति घंटा चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दो मूर्तियां दुर्गा माँ की करीब 60 किलो की थी, वहीं 15 किलो का घंटा गायब मिला। चोरी की घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और भोजपुरा रोड पर जाम लगा दिया। घटना यूपी के आज सुबह जब हम मंदिर पे आए तो मंदिर का मेन गेट का तार सुंदर टूटा हुआ था। अंदर रखी पीतल की मूर्तियाँ व घंटा, पीतल के घंटा रखे हुए थे, वो देखे तो चोरी हो गए थे रात को। अच्छा, कितने किलो का था घंटा? 15 किलो का घंटा था और दो मूर्तियाँ थी बड़ी बड़ी शेरा वाली दुर्गा की। तो इसमें क्या कार्रवाई हुई भाई? कार्रवाई अभी अज्ञात में मुकदमा हुआ है, आश्वासन मिल गया है कि जो जिन्होंने भी मूर्ति चुराई है उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मंदिर से मूर्ति और घंटे चोरी हो गए हैं। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मंदिर के पुजारी पूरन सिंह ने बताया कि मंदिर की दो मूर्ति और 3 घंटे गायब है। अरे यहाँ जो है भैया, ये रात अच्छी बने लोग सोए पूजा पाठ करके, अरे सफाई है रात को जो है यहाँ पे मंदिर की और मूर्ति दोनों गायब है गई, और जी जो है घंटा आएगा 3 घंटा गायब। तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ अभी? देखो पुलिस कब ये इंतजाम। पुलिस प्रशासन ने नई मूर्ति और घंटा लगाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया है, और फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दे रही है।